मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बढ़ते हुए कोरोना मामलों को लेकर कहा कि प्रदेश में अभी लॉकडाउन या कर्फ्यू लगाने का कोई विचार नहीं है और ना ही ऐसा कोई प्रस्ताव गृह विभाग के पास विचाराधीन है। कोरोना की तीसरी लहर की परिस्थितियां पहली और दूसरी लहर से थोड़ी अलग है। अधिकांश लोगों को वैक्सीन लगी होने से संक्रमित लोगों की तेजी से रिकवरी हो रही है और प्रदेश में कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जाएगा। मास्क नहीं लगाने वाले वाहन चालकों को पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। इसके साथ मास्क नहीं लगने पर सख्ती से जुर्माना वसूला जाएगा। और साथ ही उन्होंने बेमौसम बारिश पर कहा कि प्रदेश में कई जिलों में बेमौसम अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से किसानों की फसल को हुए नुकसान के आकलन के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दे दिए गए हैं। किसान भाई घबराए नहीं, सरकार उनके साथ खड़ी है। या कर्फ्यू की ओर अभी नहीं जा रहे हैं, अभी ऐसा कोई प्रस्ताव भी विचाराधीन गृह विभाग पर नहीं है। थोड़ा पिछली बार से और इस बार के वेरिएंट में भी अंतर है। पिछली बार परिस्थितियां भिन्न प्रकार की थी रोगियों की, ऑक्सीजन की। इस बार जो रोग है, वेरिएंट है, उसमें लोग रिकवरी अच्छी कर रहे हैं क्योंकि वैक्सीन अधिकांश को शहरों में लगी हुई है। और ये ट्रेड पूरा पुराने की तरह का है। पुराने जो ट्रेड आप देखेंगे, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और थर्ड वेव, ये तीसरी जो आहट दे रही है, ये पहले इंदौर में ही आई, फिर भोपाल में आई, फिर जबलपुर, फिर ग्वालियर, ऐसे फैली इस दूसरी में भी, पहली में भी और तीसरी में भी। ये इसी तरह से इस बार भी बढ़ी है, लेकिन पहली और दूसरी से ये थोड़ी भिन्न है। चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वैक्सीन का निर्माण कराया और शहरों का, ये उस समय भी गांव में ज़्यादा नहीं फैला था, अभी भी गांव के अंदर ये नहीं है, शहरों के अंदर ही इसकी आहट है। तो इस बार पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि तीसरी वेव को हम न फैलने दें। कल अतिवृष्टि की सूचना गुना से, राजगढ़ से, विदिशा से आई थी। स्वयं मुख्यमंत्री जी मॉनिटर कर रहे थे और उन्होंने आदेश दिया, राजगढ़ के कलेक्टर, विदिशा के कलेक्टर, गुना के कलेक्टर तत्काल खेतों की ओर, गांव की ओर, किसान की ओर रवाना हुए थे। आज भोपाल संभाग में सुबह से पानी गिरा है। अतिवृष्टि का आंकलन, ओलावृष्टि के आंकलन के लिए सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जी स्वयं इसको देख रहे हैं। किसानों को घबराने की या चिंता करने की जरूरत नहीं, सरकार उनके साथ है और सभी को आंकलन करने के लिए बोल दिया है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।